तो पहले बात करूंगा आपसे इंग्लिश की, कि इंग्लिश की तैयारी में आपने कैसे पहले कोर्स को ख़त्म किया एंड देन कैसे आपने आगे की तैयारी करी इसके लिए, इंग्लिश के लिए? सर इंग्लिश के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, और एक बुक आती है नीतू सिंह मैम की, प्लिंटू पैरामाउंट, वहां से तो जो मैंने आपने पहले बताया कि आपने कोचिंग ली थी वो केवल मैथ्स की मैथ्स ली की थी। थी? अच्छा, यस मतलब सर। बाकी किसी सब्जेक्ट की आपने कोचिंग नहीं करी? नो सर। ओके इंग्लिश में सर मैंने सबसे पहले नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है प्लिंटू पैरामाउंट, वो की थी ग्रामर के लिए। इसके अलावा ए के सिंह सर की एक बुक आती है, और एस पी बख्शी, ये दो बुक मैंने वोकेबलरी के लिए फॉलो की थी। एस पी बख्शी से मैंने सारी वोकेबलरी नहीं की थी, उसमें पोर्शन होता है सिनोनियम और एंटोनियम्स, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, और वो की थी। इसके अलावा मैंने क्यू मैथ्स एक साइट है, वहाँ से पीडीएफ निकलवाई थी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी की, और वो मैंने बहुत अच्छे से की थी। आई थिंक एसएससी में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का आजकल बहुत ज़्यादा रोल है, 70 to 80% चीज़ें, इवन ग्रामर के रूल्स भी रिपीट हो जाते हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से किए थे। इंग्लिश के सारे यस सर। क्वेश्चंस लगाए थे प्रीवियस ईयर? सर जब से TCS ने एग्जाम्स लेने स्टार्ट किए हैं 2018 थे, CGL, CHSL, CPO, ये सारे मैंने बहुत अच्छे से किए थे। एक सवाल मेरा और है कि इंग्लिश में बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे आपने बोला कि ग्रामर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके रूल्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, वोकेबलरी में जो आपने किया, बुक्स आपने यूज करी, क्या वो सफिशियंट था, या वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए और भी कोई एक्सरसाइज है, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग है, नॉवल रीडिंग है, वहां से वर्ड्स निकालना फिर उनको यूज करना, ये सब आपने किया है या फिर आपने बुक पे ही फोकस किया सिर्फ वोकैब के लिए? सर आई थिंक ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा वोकेबलरी को, बट मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मैंने क्यू मैथ से पीडीएफ निकलवाई थी प्रीवियस ईयर की, वो मैंने अच्छे से की। एस पी बख्शी से भी वोकेबलरी की, मैंने अलग से कोई रिसोर्स यूज़ नहीं किया था। और ग्रामर के लिए आपकी मेजर जो सोर्सेस थे वो आपने दो बुक्स बताई, एक नीतू सिंह मैम की बुक और एक ए के सिंह। सर ए के सिंह इज प्रीवियस ईयर, दैट्स फॉर अच्छा प्रीवियस, वोकैबुलरी एंड ठीक है। मॉक टेस्ट टाइप। ठीक है, सिंगल बुक वही एमबी पब्लिकेशन है यस क्या? सर। ओके यस ओके, सर। उसका एमबी के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। और बाकी जो एरियाज हैं पैरा जंबल्स वगैरह क्लोज टेस्ट, इनकी तैयारी के लिए कुछ अलग से आपने किया? सर मैंने मॉक टेस्ट पे फोकस किया इनके लिए। क्लोज टेस्ट मेरा थोड़ा वीक सेक्शन था, तो उसके लिए सर मैंने छोटी छोटी क्विज दी ग्रेड अप पे क्लोज टेस्ट की, वहां से मैंने अपने क्लोज टेस्ट को इम्प्रूव किया। और मॉक टेस्ट में जो भी मुझे अपना सेक्शन वीक लगता था, मैं उसकी अलग से क्विज दे देती थी, और उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस करती थी उन सब्जेक्ट्स पे, तो इससे वो सब्जेक्ट्स भी मेरे वो चीज़ें इंप्रूव हो गई। वोकैबुलरी के लिए कोई कॉपी ऑपी थी आपके पास शब्द याद करने? सर सर मैंने एक अलग से कॉपी बना रखी थी, तो जो भी ग्रामर के रूल्स मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट है, या फिर वोकैबुलरी का कोई ऐसा वर्ड आ गया, तो वो मैं उसको नोटबुक में अलग से लिख लेती थी, और मैं हर सैटरडे संडे उन चीज़ों को रिवाइज करती थी। वो कहीं ना कहीं मेरे वीक पॉइंट शो करते थे, जैसे मैंने देखा कि क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो मेरी नोटबुक में अगर क्लोज टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने क्लोज टेस्ट अलग से क्विज लगा ली, वो अलग से कर लिया। वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार मैं याद करती थी बट फिर भी याद नहीं होते थे, वो मैं अलग से नोटबुक में लिख लेती थी। एक तरह से मॉक टेस्ट एनालिसिस बुक हो गई थी वो, और उसको मैं हर सैटरडे संडे रिवाइज करती थी। धीरे धीरे ऐसे करके मेरे वीक एरियाज भी स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट हो गए। अब मैं आता हूँ मैथ्स पे, राइट? मैथ्स